महिंद्रा सुप्रो है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसमें इंजेक्टर वन का कोड दिखा रहा था, तो ये हमने वायर लगा दिया है, बाकी तो ऐसे फैसिलिटी नहीं है। अगर हम इसमें सेल्फ मारेंगे तो ये बल्ब जलेगा। मारो सेल्फ, देखिए इसमें नहीं आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ये देखिए, हमने इंजेक्टर वन के वायर को खोला और ये अंदर से टूटा हुआ दिख रहा है, आपको दिखा दूँ। बैटरी ही लो है तो इसलिए आपको थोड़ा सा लाइट की कमी महसूस होगी। ये देखिए, ये तार टूटा हुआ है, तो अभी इसको लगाते हैं, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये देखिए, हमने जो वायर है उसको सेट कर दिया है, बैटरी डाउन थी इसलिए हम नहीं कर पाए। इसका कॉमन रेल का कपलर भी ढीला है, ध्यान से देखिए, कोई भी चेक लाइट नहीं आ रही है, इधर पे चेक लाइट आती है। इंजेक्टर बैक की लाइन जो थी उसको हमने खोला था, तो उसी को टाइट करवा रहे हैं, अभी देखते हैं। कॉमन रेल का ढीला है, उसको खींचना पड़ता है तब जाके स्टार्ट होती है। नया कपलर लगा दे तो बढ़िया है, तो कस्टमर यहाँ पे है भी नहीं। देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट खींचे होगा, ये कॉमन रेल ढीला है इसलिए ऐसा कर रही है। पीछे करा कॉमन रेल कपलर बा पीछे, ये देखिए तो वो कॉमन रेल ढीला है जिसके कारण से ये कर रही है। शॉर्ट था वायर, आप अगर ध्यान से देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपस में टच हो रहे थे, इस कारण से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफ़ी रात हो गई है और बैटरी नहीं है, इस कारण से आपको लाइट नहीं दिख रही होगी। ये देखिए, हमने देखिए स्टार्ट, कपलर ढीला है इसलिए वो बंद हो जाता है। अभी तार लाएंगे, उसको बांध देंगे तो स्टार्ट रहेगी गाड़ी। ये स्टार्ट है गाड़ी, तो ये देखिए अभी ये नॉर्मल स्टार्ट है। ये देखिए, कोई भी अनवांटेड साइन नहीं है, देख लीजिए कुछ भी नहीं है। बैटरी ख़त्म हो गई थी इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आराम से गाड़ी स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा समझिए, ये फॉल्ट था ये हमने क्लियर कर दी। इसमें दो प्रॉब्लम थी, एक तो वायर कटा ही था, धीरे धीरे घिस घिस के कट गया। अब इंजेक्टर होता है वो फ्यूल को आपको इंजेक्ट करता है, इंजेक्टर इसीलिए उसका नाम ही। जब भी आपके दो सिलेंडर होंगे तब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तीन सिलेंडर में भी नहीं होती है, दो सिलेंडर में हिलेगी पर स्टार्ट नहीं होगी। वहीं पर अगर चार सिलेंडर है, कोई सी भी गाड़ी अगर चार सिलेंडर है तो वो स्टार्ट होगी। अगर एक सिलेंडर में इंजेक्शन नहीं कर रहा है तो भी वो स्टार्ट होगी, पर ऐसे हिलेगी गाड़ी, हिलेगी। चूंकि सुप्रो दो सिलेंडर है तो इसलिए एक सिलेंडर पे वो गाड़ी सरवाइव नहीं कर सकती थी, इसलिए वो स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद हमने जब कपलर जोड़ा, उसके बाद से कॉमन रेल का जो कपलर था वो ढीला था। कॉमन रेल में एक बड़ी समस्या है, ये उसके पीछे सेंसर लगा रहता है, वो बताता है कि प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है। अब उसके पीछे कपलर होता है, अब वो फिक्स होता है, अगर आप उसको ज़्यादा आगे की ओर पुश कर देंगे या ज़्यादा पीछे की ओर खींच देंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं करेगी, क्योंकि मेन सिग्नल फ्यूल इंजेक्शन का आपका कॉमन रेल ही देता है। तो उसमें एक तो कपलर ढीला था, तो जब भी स्टार्ट करते थे तो स्टार्ट तो होती थी गाड़ी, पर इंजन जो वाइब्रेशन करता था तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन छोड़ देती थी, तो वो जाके या तो बंद होती थी या तो हल्की हल्की धड़ धड़ की आवाज़ करती थी। दूसरा, कॉमन रेल से ही जैसे ये इंजेक्टर का वायर टूट गया था, वैसे नीचे भी कॉमन रेल के, मैंने एक ही दिखाया है, तीनों वायर आपस में हल्का हल्का शॉर्ट हो रहे थे, तो सिग्नल तो वो जनरेट नहीं कर रहा, बट हल्का तो जब शॉर्ट हो रहा था तो भी वो गाड़ी बंद हो रही थी। तो ऐसे ही हमने सही किया है, इंजेक्टर और कॉमन रेल का प्रोसीजर और किसी गाड़ी में मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। सुप्रो महिंद्रा की ऐसी गाड़ी है, कॉमन रेल रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बैटरी कम मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि एक्चुअल उस टाइम पे मेरे मोबाइल की बैटरी लो थी, तो हम फ्लैश नहीं जला पाए थे, इसके कारण से मैं बार बार बैटरी लो कह रहा हूँ। तो इस वीडियो में ही तक था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिन्होंने किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर आपको करना ही चाहिए, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी।